काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट होगी या वो चाहते हैं कि वो काम कर सकें ताकि वो कुछ अर्न कर सके। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो कुछ काम कर सके, और काम करने में अभी मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा बेस्ट ऑप्शन जो है वो है डिलीवरी बॉय का। आप डिलीवरी बॉय की जॉब करके भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होती है एक गाड़ी की ज़रूरत। तो गाड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आया है ज़िप इलेक्ट्रिक रेंटल। आज इस वीडियो में हम चलेंगे ज़िप इलेक्ट्रिक में और वहाँ जाके पूछेंगे कि हम किस तरीके से ज़िप इलेक्ट्रिक को ले सकते हैं, क्या उनके चार्जेस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट के चार्जेस लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट हमारे को लगेगा, और वहाँ पे हमारे को गाड़ी किस तरीके से मिल सकती है, कितने दिन में गाड़ी मिल सकती है, कितनी देर में गाड़ी मिल सकती है, क्या इस गाड़ी को हम ओला और ऊबर में लगा सकते हैं या रैपिडो में लगा सकते हैं, क्या इन गाड़ी को हम जोमेटो में लगा सकते हैं, स्विगी में लगा सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं ज़िप इलेक्ट्रिक रेंटल पे और कोशिश करते हैं अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तो मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं शाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। तो गाइस, ज़िप जो कंपनी है जिन्होंने रेंटल सर्विसेज स्टार्ट करी है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, आज हम उसकी वीडियो लेके आए हैं। देखिए, आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे राइडर्स हैं जो कि ज़ोमैटो पे काम करना चाहते हैं या स्विगी पे काम करना चाहते हैं या काफ़ी डिफरेंट जो डिलीवरी सर्विसेज है उस पर काम करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज आप एक ज़िप ड्राइव से कोई भी गाड़ी रेंटल लेके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उनका जो प्राइस है जो कि काफ़ी कम है, आप यहाँ पे गाड़ी 149 रुपीज़ पर डे पे भी ले सकते हैं, जिससे आप अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस आंसर होते हैं, काफ़ी क्वेरीज आती हैं, तो आज उन सारी क्वेरीज का आंसर देने के लिए मेरे साथ है ज़िप ड्राइव के एग्जीक्यूटिव। तो हाय भाई, मेरा नाम नितिन है, आज आपसे मैं कुछ ज़िप ड्राइव के क्वेश्चंस करूंगा। आई होप आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। यस सर। तो भाई, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आता है कि ज़िप ड्राइव को या ज़िप स्कूटी को, इलेक्ट्रिक स्कूटी को किस तरीके से कोई भी एक पर्सन परचेज कर सकता है या रेंट पे ले सकता है? परचेज तो नहीं कर सकता, परचेज नहीं होता सर, ये रेंट वाला है, रेंट पे ही ले सकता है। तो रेंट के लिए क्या प्रोसीजर होता है और क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप कुछ बताएंगे? यस सर, हमारे यहाँ पे रेंट पे स्कूटी अवेलेबल होती है, स्कूटर। ओके, ठीक है सर। ये इसके प्रोसेस ये है कि आपको डॉक्यूमेंट में जो आपको चाहिए, एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस। यस सर। अगर किसी पर्सन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर किस क्या सर उसको उस पर्सन को, उस राइडर को अपनी लर्निंग कटवा के लेके आनी होगी। लर्निंग के व्यवहार पे हम आपको रेंट पे गाड़ी इशू कर देते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अगर किसी के पास लर्निंग भी नहीं और लर्निंग नहीं कर सकती तो उसे नहीं मिल सकती सर। ओके फाइन, तो विदाउट डीएल गाड़ी नहीं मिल सकती, आपके पास डीएल होना जरूरी है, वो कंपलसरी। अच्छा, सर वो कंपलसरी है। आपने बताया आधार कार्ड की भी जरूरत है, तो आधार कार्ड क्या पर्टिकुलर स्टेट का ही रहना चाहिए? जैसे अभी आपकी सर्विसेज दिल्ली में है, तो दिल्ली का ही रहना चाहिए? नहीं सर, कोई भी स्टेट, किसी भी स्टेट का चलेगा। तो गाइस, आप यहां देख सकते हैं किसी भी स्टेट का आपका आधार कार्ड होगा तो चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। आपको यहाँ पे अगर आप दिल्ली में आके आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, अगर डॉक्यूमेंट लेके आता है कोई बंदा तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये इस गाड़ी को लेने में कितना टाइम लगता है और क्या इसकी कोई सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है उसको? सर, इसके अंदर आपको जब आप आते हो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स लेके, अपने आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट जो भी काम होते हैं हमारे यहाँ पे इस कंपनी के जितने वो भी सारे ऑनलाइन ही होते हैं, कंपलसरी है। ठीक है, और जो सिक्योरिटी अमाउंट की आपने हमें बोली है वो सिक्योरिटी अमाउंट 2000 रुपीज़ है। 2000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट? हाँ जी, जो कि वो आप वो रिफंडेबल है जो भी आप हमारे यहाँ से प्लान लेते हो। तो ये जो 2000 आपने बताया मेरे को सिक्योरिटी अमाउंट, ये कितने दिन की गाड़ी का सिक्योरिटी अमाउंट है? या आपने बताया जैसे कि आपके काफ़ी सारे, आप मुझे प्लान बता सकते हैं प्लान कौन कौन से यहाँ पे? हाँ जी सर, हमारे पास में चार तरह के प्लान है। okay. एक 7 दिन का, एक 15 दिन का, एक 30 दिन का, एक 45 दिन का। okay. इन सबके अलग अलग वो है सर, प्राइस है, अलग अलग क्राइटेरिया है। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग क्राइटेरिया। इसमें क्या क्या मेरे को मिलेगा? माइंड के चलता मैं एक वीक के लिए अपनी गाड़ी लेना। हाँ जी सर, अगर आप एक वीक के लिए गाड़ी लेना चाहते हो तो वो आपको पड़ती है 1250 प्लस 2000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि मेरी आपकी बात हुई थी अभी रिफंडेबल के लिए। ओके ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1250 7 वीक के लिए लगते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना पड़ता है जो कि 2000 रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट है। इसके बाद जो सेकंड प्लान है वो कौन सा प्लान होता है? सर वो 15 दिन का प्लान है। ओके, वो आपको पड़ेगा 2537 का। ओके, ठीक है सर, उसमें भी 2000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट प्लस करनी है। अच्छा, प्लस करने और ये दोनों पेमेंट हमारे को ऑनलाइन ही करनी? ऑनलाइन ही करनी सर। बताया 2500 2537। आप देख सकते हैं जो सेकंड प्लान है जो 15 डेज प्लान है उसमें आपको 2537 रुपये जमा करने हैं, उसके साथ साथ आपको 2000 रुपये जमा करने हैं। ये दोनों अमाउंट आपको कोई भी यहाँ पे कैश नहीं देना है,
ये सारा का सारा अमाउंट जो है आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद 2 से 5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस होता है और आपको आपकी गाड़ी जो है वो मिल जाती है। ओके फाइन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ। जो नेक्स्ट प्लान है वो कौन सा आपका, 1 मंथ वाला जो? सर जी, 1 मंथ का हमारा प्लान है, उसके अंदर भी 2000 रुपीज़ सिक्योरिटी अमाउंट है और जो आपका 1 महीने का जो रेंटल है वो आपको पड़ता है 4791 का, 4791 का वो आपको पड़ता है, प्लस 2000 रुपये, प्लस 2000 रुपये, उसमें भी 2000 रुपये देना पड़ता है। और इसके बाद जो लास्ट प्लान है लाइक कोई कोई 2-3 महीने के लिए अगर? हाँ जी सर, जो हमारा लास्ट प्लान है वो 45 डेज का प्लान है। ठीक है सर, 45 दिन का प्लान है, वो आपको पड़ता है 6337 का, 6337 प्लस 2000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट। इसके अंदर हमारा अलग सबसे जो जो हम 7 दिन का प्लान है उसका जो पर डे का पड़ता है वो 78 का पड़ता है, 178 का। ठीक है, जो हमारा 15 दिन का है वो उससे 10% और उसमें कम, 10% कम होते जाएंगे। अब हमारा जो लास्ट है 45 का वो आपको पड़ता है 140 का, 140 रुपये पर डे। हाँ जी सर, तो इसमें जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो कितना देना होता है? वो भी 2000 रुपये सर। okay, जी, और ये मंथली जो 45 डेज में 45 डेज का कितना अमाउंट देना पड़ता है सर? आपको सिक्योरिटी अमाउंट टोटल करके बताऊँ कि अलग से सिक्योरिटी अमाउंट आप वो कस्टमर को पता लग चुका है कि 2000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है, तो सर वो 6337 6337 रुपये का जो है वो 45 डेज का। हाँ जी सर। हाँ जी, अच्छा दोस्त, काफ़ी सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको ये गाड़ी है जो है ओला या उबर पे लगानी है, तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं, या ये ओला उबर पे लग भी सकती है कि नहीं लग सकती है? सर ये ओला उबर में लग सकती है, जैसे कि आपने हमारे यहाँ से रेंट पे स्कूटी ली, स्कूटर को लिया, आपने सारे KYC सब कुछ कंप्लीट करवा लिया, आप ओला उबर के ऑफिस जाओगे, ऑफिस जाने के बाद में आप हमारे ऐप को वहाँ पे मेंशन करवाओगे। ठीक है सर, वो आप हमारे ऐप को देखने के बाद में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए गाइस, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि ये ओला और उबर पे गाड़ी आपकी एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, तो देखिए ये ओला और उबर दोनों ही राइडर्स पे, आप रैपिडो पे भी इस गाड़ी को लगा सकते हैं, बट आपको ये जो एप्लीकेशन है ये शो करनी होगी। आप जैसे ही एप्लीकेशन वहाँ शो करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डॉक्यूमेंटेशन या फर्दर डॉक्यूमेंटेशन की आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। ऑलरेडी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट होती है। देखिए गाड़ी जो है वो नंबर प्लेट पे है। अच्छा देख, अगर ये गाड़ी नंबर प्लेट पे है तो इस पे क्या ट्रैफिक का चलान या इस तरीके की ये वैलिडेशन भी होती है कि ये चीज़ नहीं होती है? सर अगर हमारी जैसे हमारी गाड़ी है, हमने आपको रेंट पे दी है, अगर हमारे जो राइडर है राइडर की गलती है, जैसे हेलमेट ना पहनना, ड्राइविंग लाइसेंस ना रखना, राइड लाइट तोड़ना, वो चलान आपका होगा। अगर इन केस पुलिस वालों ने आपको पकड़ा तो उसके अंदर, अगर राइडर की गलती होती है तो वो राइडर ही भरेगा उसको, वो राइडर ही भरेगा। अगर मेनली चलान जो होते हैं वो केवल आपके हेलमेट, अगर हेलमेट के बगैर चलाएगा तो देखिए अगर हेलमेट के बगैर चला रहा है तो ये गाड़ी जो है इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी आती है सर? 50 की टॉप स्पीड आती है। ओके फाइन, और इसकी जो बैटरी है वो कितनी तक की रेंज प्रोवाइड करती है सर? 120। तो देखिए गाइस, ये देख सकते हैं आपकी ये जो गाड़ी है वो 120 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, और इसका चार्जिंग जो टाइम है यहाँ पे, जैसे मैंने देखा कि आपने यहाँ पे भी चार्जिंग के लिए लगा रखा है, तो यहाँ पे चार्जिंग क्या क्या प्रोसीजर है, और अगर कस्टमर घर पे चार्ज करना चाहता है तो वो किस तरीके से कर सकता है? सर अगर कस्टमर घर पे करना चाहता है तो वो अपने घर पे भी कर सकता है, जैसे आप मान लीजिए कस्टमर का घर फर्स्ट फ्लोर पे है, स्कूटी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वो अपनी बैटरी को निकाल कर लेके जाएगा अपने। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैटरी आपको इस गाड़ी में मिलेगी वो डी अटैचेबल बैटरी होगी, आप कहीं पे भी ले जाके उसे चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए चार्जिंग टाइम कितना होगा और आप कुछ बता सकते हैं? हाँ जी सर, अगर आप अपने घर पे चार्जिंग करते हो निकालने के बाद में, तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं एक बैटरी चार्ज करने में सर। 3 से 4 घंटे का टाइम मैक्सिमम लगेगा। और आपने ये जो चार्जिंग लगा रखी है ये क्या चार्जिंग, कोई फास्ट चार्जिंग है? नहीं सर, ये भी थोड़ी फास्ट चार्जिंग है, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है अपने घर वाले में और इसमें। ये आप स्कैन करोगे, अपने बार कोड को स्कैन करके आप करोगे, इसका जो चार्जेबल है 8 रुपये 1.5 घंटे का। अच्छा आप देख सकते हैं आप अपनी गाड़ी यहाँ पे भी लाके चार्ज कर सकते हैं, बट यहाँ का जो चार्जिंग कॉस्ट आएगा वो 1.5 घंटे चार्ज करने का आपका आएगा, वो आएगा 8 रुपये का। अच्छा फ्रेंड, इसके बाद अगर जैसे मैं मान के चलता हूँ कि ये जो गाड़ी आप डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट लेने के बाद क्या कस्टमर का कोई सिविल स्कोर भी इस पे मैटर करता है कि नहीं मैटर करता? नहीं सर, इसमें कस्टमर का कोई सिविल स्कोर मैटर नहीं करता, हम लोग खाली आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। ओके,
तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की इस तरह की भी क्वेरी थी कि ये कोई एक लोन अमाउंट की तरह है या कोई सिविल इफेक्ट करेगा या सिविल ठीक नहीं है तो गाड़ी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो गाइस मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको ये गाड़ी विदाउट सिविल स्कोर के मिलती है, आपको पैन कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो गाइस ऑफकोर्स से बात है सिविल स्कोर का कोई चक्कर ही नहीं आता है। अच्छा भाई इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन आता है कि काफ़ी सारे राइडर्स के ये क्वेश्चन आते हैं कि ऑन द रोड अगर गाड़ी आपकी चल रही है और अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किस तरीके का असिस्टेंट ज़िप कंपनी प्रोवाइड करती है। हाँ जी सर, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि हमारे ऐप है, ऐप के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, ठीक है सर, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है या फिर कोई भी इशू आता है आपकी गाड़ी के अंदर, हमारे ऐप को ओपन करोगे, रेड कलर का बटन होता है उस पर क्लिक करोगे, आप हमारे कस्टमर केयर के पास में कॉल जाएगी और आपकी कॉल रिसीव करेंगे, फिर हमारा आपके पास में आएगा। तो देख सकते हैं गाइस अगर आपको ऑन रोड अगर आपकी गाड़ी जिप ड्राइव की तरफ से आपने गाड़ी रेंट पे ले रखी है और उसके बाद आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके ये जो मेंशन किया गया टोल फ्री नंबर है आप इस पर कॉल करें, आपको ऑन रोड सर्विसेज प्रोवाइड होगी। अगर गाड़ी फिक्सेबल है वहाँ पे ठीक हो सकती है तो ठीक है, अदरवाइज ये गाड़ी टो करके ले आएंगे और आप जा सकते हैं। जब आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी आप आके अपने सर्विस सेंटर जो भी नियर बाय सर्विस सेंटर है वहाँ से आप अपनी गाड़ी कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्त, अगर मान के चलते हैं कि अगर कस्टमर जैसे आपने बताया डी अटैचेबल बैटरी है तो क्या बैटरी वो स्वैप भी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? नहीं सर, स्वैप नहीं करवा सकते। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे अभी बैटरी का जो स्वैपेबल का जो फॉर्मेट होता है वो अभी इनका कॉन्सेप्ट में है, तो माइट बी इन फ्यूचर आपको जिप में देखने के लिए मिलेगा, बट अभी आपके पास चार्जिंग का ही ऑप्शन है, आप लाके सर्विस सेंटर पे भी चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहते हैं कि आप अपने घर पे चार्ज करें तो आपको चार्जर डेडिकेटली दे दिया जाता है, आप अपने घर पे ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात, इनकी जो बैटरी है वो डी अटैचेबल है, आप बैटरी को डी अटैच करके भी कहीं पर भी ले जाकर आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो भाई अभी आपका जो ये जो जिप ड्राइव है ये केवल दिल्ली बेस्ड ही है या किसी और सिटी में भी? सर ये दिल्ली NCR में सब में ही है, जो भी अगर किसी को कुछ भी कोई कस्टमर या राइडर आता है तो हमारे यहाँ पे आकर डाबड़ी हब पे क्वेरी ले सकता है। तो गाइस देखिए ये जो डाबड़ी हब है जहाँ पे अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये डाबड़ी लोकेशन है, इसका नंबर जो है मैं इन भैया का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनसे कोई भी क्वेरी है आप इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट से हो आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इनका नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से लेके नंबर इन्हें कॉल करके कोई भी क्वेरी है उसे सॉल्व करवा सकते हैं या पूछ सकते हैं। गाइस काफ़ी सारे मैंने राइडर्स देखे जो कि साइकिल पे डिलीवरी करते हैं, जोमेटो की, स्विगी की, काफ़ी अदर कंपनी के भी, तो अगर वो लेना चाहे तो आपने बताया था उन लोगों के लिए आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्लान एक कर रखा है, तो वो क्या प्लान है आप मुझे बताएंगे? सर जैसे साइकिल राइडर हैं स्विगी सेटअपैक्स जोमेटो इनके अंदर इनकी साइकिल आईडी होती है, हाँ जी, तो इनको जैसे हमारे पास में जो पर्सनल आते हैं लेने के लिए राइडर उनकी सिक्योरिटी अमाउंट 2000 रुपीज़ होती है, इनकी 500 रुपीज़। ओके, तो गाइस देख सकते हैं कि जो साइकिल राइडर है उन लोगों के लिए काफ़ी सारा बेनिफिशियल प्लान यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है, आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको 2000 अमाउंट का सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना है, आप अपनी साइकिल आईडी लेके आइए, साइकिल आईडी लेके आने के बाद आप केवल 500 रुपीज़ में यहाँ से स्कूटी ले सकते हैं, 500 का अमाउंट एक बहुत नॉमिनल प्राइस होता है, आप उससे लेके अपनी प्राइस आपकी जो इनकम है पर डे इनकम है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस भैया थैंक यू सो मच, अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो इनका नंबर आपके पास है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, फिर भी अगर कोई अगर आप कस्टमर आता है तो आप उसको बिल्कुल करेंगे। गाइज आई होप आप लोगों के सारे आंसर मिल गए होंगे, आपको जिप इलेक्ट्रिक रेंटल के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की मैंने इस वीडियो में कोशिश की है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप मेरे से कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि आप लोग अर्न करें और अर्न करने के साथ साथ आप एनवायरमेंट को ग्रीन भी रखें। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।